उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में भेड़िये की दहशत फैल रही है। अब मैनपुरी में भी भेड़िये ने अपने कदम बढ़ा दिए हैं। जहां बहराइच और सीतापुर के बाद अब मैनपुरी में भी स्थानीय लोगों ने भेड़िये को देखा है। बताया जा रहा है कि इलाके में एक युवक ने सबसे पहले भेड़िये को देखा। जब युवक खेत में सोया हुआ था तो भेड़िये ने उस पर हमला कर दिया। इसके बाद वो जान बचाकर भागा और ग्रामीणों को इसके बारे में बताया। गनीमत रही कि भेड़िये के हमले से युवक को गंभीर चोटें नहीं आई। पहले बहराइच और सीतापुर में भेड़िया देखने के बाद अब मैनपुरी के लोगों में डर का माहौल बना हुआ है। बताया जा रहा है कि छोटी जरामाई गांव में खेतों के पास जो ट्यूबवेल बनी होती है उस पर युवक सो रहा था। अचानक रात के करीब 12:30 बजे भेड़िये ने युवक पर हमला कर दिया। भेड़िये के हमले से युवक जान बचाकर भागने में कामयाब तो हो गया, लेकिन उसके कपड़े फट गए और वो जख्मी हो गया। भेड़िये के निशान एक कच्चे घर में भी देखे जा सकते हैं। इसी कच्चे घर में भेड़िये ने हल्की सी खुदाई की थी, जैसे वो मांड बनाने की कोशिश कर रहा हो। इस बारे में गांव वालों ने कहा कि किसी को जान का कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन इस घटना से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। लला तो सुहा वो भेड़िया तो जो बहरा के गिरोह आए थे के मम्मी कोई है उनको है के जाने कुत्ता की तो है खूब बड़बड़े बार है और आंखें लाल है। हमारी भला करो मैंने बटन वटन मेरे देखो से बटन टोट दे पेंट वेंट देखो हमारे से फाट दो। क्या करने गया था ये? बात समझ लगी है हमारी तो समझ से माने जानी कोई आदमी घुसेगा हुआ। हाँ तो जाने उचका के देखो उचका के देखो तो जाने भाई भीतर तक निकल गया जाके गर्दन पकड़ी तो गर्दन पकड़ में ना आई ऐसे खरोंचा लगाते ही चलो हुआ वहां कपड़ा जे भयभू तो होगा वो एक जन लकड़ी भी मारी है। गांव में अभी आप क्या नाम एक प्रांशु नाम का जो बच्चा था उसको रात में लगभग 11:30 बजे उसको अटैक कर दिया, लेकिन उसके पास हाथ में डंडा था उसने अपना बचाव ही कर लिया है। भेड़िये ने हमला किया था उसके ऊपर, तो मैं ये चाह रहा हूँ कि अभी तो इस बच्चे पे हमला हुआ है, हो सकता है आने वाले समय में भी किसी पे हो सकता है, तो इसके लिए तो थोड़ा मैं चाहूंगा कि सुरक्षा का कुछ प्रबंध किया जाए ताकि आने वाले समय में किसी को दिक्कत ना हो सकता था और भी बड़ा हादसा हो सकता था, अभी नहीं हुआ है तो मैं ये कहना चाहूंगा कि उसकी मतलब सुरक्षा का दृष्टिकोण रखते हुए थोड़ा उससे ध्यान दिया जाए। दूसरी ओर बहराइच में भी भेड़िये का खौफ कम नहीं है। लोग अब सियार और कुत्ते को भेड़िया समझने लगे हैं। इस मामले में वन विभाग के जीएम संजय पाठक ने कहा कि लोग मिसगाइड कर रहे हैं, भेड़िया बताकर लोग सियार का वीडियो बना रहे हैं, कुत्ते को पीटकर हत्या कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भेड़िये का आतंक कम हो गया है, लेकिन लोग सोशल मीडिया पर जानबूझकर इस तरह के वीडियोस डाल रहे हैं ताकि लोगों में भ्रम का माहौल पैदा हो सके। अब पिछले मतलब आप देख रहे होंगे 6-7 दिन हो गए आज कोई मतलब जो है कहीं से भी किसी तरह के जो अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली। जो मिल भी रही हैं सूचनाएं वो सब ज़्यादातर जो है अफवाह साबित हो रही है। 2-4 अभी मैं लगातार ही देख रहा हूँ पिछले 4 दिन से, एक मतलब जो है कुत्ते को मारा तो भी जो है भेड़िए को एट्रीब्यूट कर दिया, किसी को खरोंच लगी जिसके बारे में जो है डॉक्टर भी ने अस्वस्थ है कि एनिमल बाइट है, उसको भी एक लड़की जो 16-17 साल की थी उसके मामले में भी ये कहा भेड़िया, वास्तविकता में वो भेड़िया था नहीं। फिर इसी तरीके से कहीं अभी भेड़िया निकलने की बात बता दी, वो तस्वीर जो हम लोगों ने जैसे वीडियो देखा वो पता चल गया भाई 3-4 दिन पहले हमारे किसी पत्रकार बंधु ने हमको दिखाया था वो, तो सीधे सीधे मतलब जो है ये स्पष्ट हो गया कि जो ये लोग हैं ये आपदा में जो अवसर तलाशने वाली बात है इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि जानबूझ के जो फोर्सेस हैं वो इतना थक जाएं कि जो बाड़ी आए किसी तरह के काम को अंजाम देने की तो दे ना पाए। तो ये प्रवृत्ति जो है बहुत ही ख़राब है खास करके, और र्यूमर्स का बाज़ार इस तरीके से भी गर्म है कि मैं देख रहा हूँ कुछ चैनल्स भी हैं वो भी इस तरह का काम कर रहे हैं, सीआर देख रहे हैं। एक व्यक्ति लिख रहा है 12 बजे रात में सीआर पानी पीते हुए, अब यूट्यूब पर डालेगा आदमी को निश्चित तौर पर कौतूहल होगा, उनकी एक मतलब जो है उनको एक मिल गया, एक व्यू मिल गया तो उनका एक काम बन गया। जीएम पाठक का कहना है कि फोर्सेस से जबरन मेहनत करवाई जा रही है, फर्जी खबरें भी फैल रही है। फिलहाल मैनपुरी में भी भेड़िये के देखे जाने और हमला करने के बाद इलाके के लिए टीमें गठित की जा रही हैं और अगली कार्रवाई की जाएगी।